जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको क्लास 12th के लिए वेरी मोस्ट चैप्टर रिप्लाई की जानकारी दूंगा कि आखिर हम रिप्लाई बनाते कैसे हैं। कल आपने वीडियो में देखा था कि कल जो अपना चैनल में वीडियो में बना रहा था, मार्कर सही न चलने के कारण मैंने आपका अपनी वीडियो का विराम कर दिया था। आज वो बाकी इससे मैं कभी भी इस प्रकार की भविष्य में गलती नहीं होगी। इससे मुझे सीख प्रदान हुई है कि कोई भी काम करने से पहले हम उसकी जो प्राथमिक तैयारी है वो पूरी कर लेनी चाहिए। आज का हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का दोबारा अपने इस चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का वीडियो जो वेरी से वेरी मोस्ट है, इसलिए आप इस वीडियो में जरूर जुड़ें और कमेंट में जानकारी दें कि आपको वीडियो किस प्रकार लग रहा है। वीडियो को लाइक जरूर करें। जितने बच्चे आए हैं वो सभी वीडियो को एक बार लाइक एक साथ जरूर करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं रिप्लाइज के बेसिक नियम। आज हम आपको नियम बताएंगे। एक बात और आपको जानकारी दे दें, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस है कल और परसों, 2 दिन का आप सभी का अवकाश रहेगा। ऑनलाइन कोचिंग क्लास है नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल की, कल और परसों 2 दिन का अवकाश है। तो हम देखते हैं कि रिप्लाई बनाते कैसे हैं। तो रिप्लाई बनाने के कुछ बेसिक नियम हैं, इन नियमों को आप याद रखें जिससे आप आसानी से रिप्लाई तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेसिक नियम है, फर्स्ट रूल है इसका, फॉर्मल रिप्लाई में फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करते हैं। जब हम फॉर्मल रिप्लाई तैयार करते हैं तो उसमें फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करते हैं। बाकी हम सेकंड का यूज कर सकते हैं, थर्ड का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करते हैं। अब फर्स्ट पर्सन कहलाता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति बोलता है वह हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। तो बोलने वाला व्यक्ति हमेशा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। आप इस बात को जरूर माइंड में नोटिस करके रखें कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को नज़रअंदाज ना करें। यदि आप आज आप चैप्टर इसको नहीं देखते हैं तो आपसे कल से रिप्लाई बनाते नहीं बनेगा। इस बात को आप माइंड में जरूर याद रखें। तो फॉर्मल रिप्लाई में फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या है? बोलने वाला व्यक्ति हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। बोलने वाला व्यक्ति क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। जो भी व्यक्ति बोलता है हमेशा मैं या हम। जैसे मैं बोल रहा हूं तो अपने आप को क्या कहूंगा? ये कहूंगा कि नरेंद्र बोल रहा है। मैं ये कहूंगा कि मैं बोल रहा हूं। अपने को मैं क्या कहूंगा? मैं। इसलिए बोलता हमेशा कौन सा है? आई या बी। इसलिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है? या तो आई होता है या बी होता है। सुनने वाला व्यक्ति होता है हमेशा यू। जैसे मैं आपको नहीं जानता हूं कि आप कौन कौन से बच्चे अभी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको क्या कहूँगा? मैं आपको कहूँगा कि आप सब कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें। जो बच्चे उपस्थित हैं तो वह इस क्लास के जो यदि आपको नॉलेज प्राप्त हो रहा है तो एक लाइक बनता है, इसलिए आप लाइक जरूर करें। तो देखा आपने, तो सेकंड पर्सन क्या हो गया? सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला व्यक्ति। और जो व्यक्ति सुनता है वह हमेशा कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। तो सुनने वाला व्यक्ति जो होता है वह सेकंड पर्सन होता है। सुनता हमेशा कौन है? यू। आई बी और यू को छोड़कर जो भी शेष बचता है वह हमेशा थर्ड पर्सन होता है। कौन सा होता है? थर्ड पर्सन छोड़कर।
इनको छोड़कर जो भी बचा तो कौन सा होता है, थर्ड पर्सन। तो इसके अनुसार ही सी इट, आई आई नहीं होगा, ही सी इट, और जो भी शेष बचा तो हुआ है आपका थर्ड पर्सन। तो फॉर्मल रिप्लाई में किसका प्रयोग नहीं करते हैं, फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, थर्ड पर्सन का। आप माइंड में एक चीज जरूर नोटिस रखा है कि आपके लिए आज का जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप रिप्लाई तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को और नहीं देखते हैं तो आपसे कभी भी रिप्लाई तैयार नहीं करते बनेगा बनेगा। आप किसी इसके अलावा किसी भी वीडियो को देखेंगे, हमारे कहने का तात्पर्य, यदि आप रिप्लाई का वीडियो नहीं देखते हैं, ये आपने अभी तक रिप्लाई नहीं पढ़ा है, तब आपसे नहीं बनेगा। तो पहला नियम इसका है, फॉर्मल रिप्लाई में फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करते, चाहे वो फॉर्मल रिप्लाई हो चाहे फॉर्मल इन्विटेशन हो। सेकेंड नियम इसका, थर्ड पर्सन यूज करते हैं। अब फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है, यह मैं बता चुका हूं। एक बात और मैं आपको बता दूं, रिप्लाई या इनविटेशन, चाहे वो किसी प्रकार का इनविटेशन हो या रिप्लाई हो या एक प्रकार के लेटर ही है, एक प्रकार के क्या है, लेटर अर्थात पत्र है या एप्लीकेशन है, एक प्रकार के लेटर या एप्लीकेशन है। सिंपल सी बात होती है, यदि हम लेटर को ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं और उसमें मेन बॉडी में तीन पार्ट तैयार नहीं करते हैं, यदि हम लेटर को किसके अंतर्गत रख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर बंद करके रख देते हैं, और मेन बॉडी में तीन पैर, मेन बॉडी को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं और इसकी शब्द सीमा को कम रखते हैं, तो वही जो लेटर है वह इनविटेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, इनविटेशन। तो इनविटेशन और लेटर में क्या अंतर हो गया, यदि हम लेटर की शब्द सीमा कम रखते हैं, उसे मेन बॉडी में बुक क्लोज कर देते हैं, मेन बॉडी के तीनों पार्ट हटा देते हैं, एक ही पार्ट में सब ऐड कर देते हैं, तो वही लेटर फिर क्या बन जाता है आपका, वह लेटर आपका बन जाता है इनविटेशन। तो थर्ड पर्सन का यूज करते हैं किसमें, फॉर्मल रिप्लाई हो चाहे फॉर्मल इनविटेशन हो। अगला वीडियो दे अगला पार्ट देखते हैं, रिप्लाई को क्लोज कर देते हैं, क्लोज करते हैं अर्थात क्लोज करते का तात्पर्य ब्रैकेट बनाते हैं, ब्रैकेट के अंदर रखते हैं रिप्लाई को, कोष्टक के अंदर लिखते हैं। चौथा पॉइंट है इसका, रिप्लाई के बाद इसका चौथा पॉइंट क्या है, ऊपरी सिरे पर, लेकिन कौन से ऊपरी सिरे पर, सबसे ऊपरी सिरे पर, सबसे ऊपरी सिरे पर फॉर्मल रिप्लाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फॉर्मल रिप्लाई। क्या लिखते हैं, सबसे ऊपरी सिरे पर लिखते हैं फॉर्मल रिप्लाई। आप इन जो पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं इसे आप नोट से नोट जरूर कर लेना। इसके बाद अगला पॉइंट इसका, इसके बाद लेफ्ट कॉर्नर में, इस साइड का कॉर्नर कहलाता है लेफ्ट, इस साइड का कहलाता है राइट, लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की ओर एड्रेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एड्रेस। एड्रेस में हम सबसे पहले मोहल्ले या कॉलोनी का नाम लिखते हैं, एड्रेस में सबसे पहले क्या लिखते हैं, एड्रेस में सबसे पहले मोहल्ला या कॉलोनी का नाम लिखते हैं। एड्रेस में सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम मोहल्ले या कॉलोनी का नाम। इसके बाद क्या करते हैं,
सातवां, इसके बाद मोहल्ला या कॉलोनी, जहां स्थित है जहां स्थित हो उसका नाम लिखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि एड्रेस हमें लिखना किसका है, भेजने वाले व्यक्ति का या रिप्लाई लिखने वाले व्यक्ति का। तो जो आपको एड्रेस लिखना है खुद का, अर्थात जो रिप्लाई सेंड करता है, एड्रेस है रिप्लाई सेंड करने वाले व्यक्ति का लिखा जाता है। जैसे मैं आपके आपके लिए रिप्लाई लिखता हूं, जैसे आपने मुझे कार्यक्रम में आमंत्रित किया अपने किसी भी घर के कार्यक्रम में, तो मैं आपके लिए रिप्लाई दे रहा हूं कि मैं आऊंगा, तो मैं अपना एड्रेस दूंगा। किसका एड्रेस दूंगा? अपना एड्रेस दूंगा कि एड्रेस रिप्लाई सेंड करने वाले व्यक्ति का लिखती है। अगला पॉइंट है, लाइन छोड़कर डेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। अब डेट किस प्रारूप में लिखी जाती है? डेट आपके लिखने का जो तरीका होता है वह क्या है? आखिर आपको डेट डेट जो है किस प्रारूप में लेना है? तो डेट निम्न प्रारूप में होती है। कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे तारीख, जैसे आज 29 तारीख है। फिर लिखेंगे माह का नाम, फिर माह का नाम 5 अक्षर से बड़ा है तो प्रारंभ के 3 अक्षर लिखकर फुल स्टॉप, फिर कोमा और फिर ईयर लिखेंगे, तो डेट का प्रारूप आपका यह रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद संबोधन करने वाले व्यक्ति के साथ, संबोधन शब्द के बाद संबोधन शब्द के साथ व्यक्ति का नाम लिखते हैं। आप कौन से व्यक्ति का नाम लिखते हैं? जिसे भेज रहे हैं। किसे लिखते हैं? जिसे रिप्लाई भेज रहे हैं उसका नाम लिखेंगे यहां पर। इन नियमों को मैं आपको भाषाबद्ध तरीके से, जो मैंने आपको नियम लिखे हैं, इन नियमों को मैं एग्जाम्पल तौर पर जरूर बताऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। तो आपने देखा इन नियमों को, अब इसके बाद देखते हैं अगला रूल, 12वां रूल, मेन बॉडी में 50 से 60 शब्द रखते हैं, कम से कम 50 और अधिक से अधिक 60 शब्द रखते हैं, इससे ना तो अधिक रखते हैं ना ही इससे कम रखते हैं, ठीक है ना। और 13वां पॉइंट है आपका, यह है इसके रिप्लाई, इसकी का तात्पर्य रिप्लाई की, रिप्लाई के अंत में लेफ्ट कॉर्नर में, अर्थात इस साइड नाम लिखते हैं, किंतु साइन नहीं करते हैं। यानी करते हैं, साइन नहीं करते हैं।
नाम तो हम अपना लिखेंगे लेकिन शान नहीं करेंगे। क्या आप सोचो कि इसमें शान भी करना तो शान आपको नहीं करना है, और कोई भी वर्ड ब्रैकेट को टच नहीं करना चाहिए, कोई भी वर्ड किसी टच नहीं करना चाहिए ब्रैकेट को। चलो तो आप पॉइंट देखते हैं। कोई भी वर्ड्स कोष्टक को टच नहीं करना चाहिए। तो यह थे आपके रिप्लाई लिखने थे, रिप्लाई तैयार करने के नियम। आपने देखा यह नियम जो मैं आपको अक्सर लेटर के बताता हूँ, वही नियम मैंने आपको किसमें लिखवाए, रिप्लाई में। क्योंकि रिप्लाई और लेटर दोनों समान होते हैं, दोनों कोई खास अंतर नहीं होता है। अंतर इतना होता है कि लेटर की जो शब्द सीमा होती है वो अधिक होती है और रिप्लाई की कम होती है। आज मैं आपको अधिक नहीं बताऊंगा क्योंकि आज लाइट नहीं है और जो मोबाइल की बैटरी है वो डिस्चार्ज होने को है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको प्रारूप बताऊंगा। इसका कल एग्जाम्पल आपको एक प्रश्न के साथ बताऊंगा। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि इससे नीचे से क्लोज करते हैं, तो मैंने ब्रैकेट बना लिया, लेकिन आप ब्रैकेट पहले नहीं बनाएंगे। आप ब्रैकेट के ऊपरी से ऊपरा हिस्सा तो तैयार कर लेंगे, लेकिन नीचे का हिस्सा जो है वह तैयार नहीं करेंगे, नीचे से क्लोज नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम क्लोज कर देते हैं तो उसकी शब्द सीमा घट जाती है या बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमने लिखा फॉर्मल रिप्लाई, फॉर्मल रिप्लाई। अब यहां पर हम एड्रेस लिखेंगे, किसका, लिखने वाले का, ठीक है ना, लिखने वाले का एड्रेस लिखेंगे। और जो यहां पर डेट लिखी जाती है 15 पॉइंट में आप याद रखें, जिस दिन रिप्लाई सेंड करते हैं, सेंड करते नहीं लिखते हैं, वह डेट लिखते हैं, अर्थात जिस दिन हम रिप्लाई तैयार करते हैं वह डेट इसमें लिखी जाती है। उम्मीद करते हुए कितना आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर लिखने वाले व्यक्ति का एड्रेस आप कैसे लिखना है वो मैं कल बताऊंगा। लाइन छोड़कर जिस दिन लिखते हैं उस दिन की डेट, जो भी डेट हो। फिर यहां पर संबोधन शब्द, यहां पर भी लाइन छोड़ना, यहां पर भी लाइन छोड़ना। संबोधन शब्द में डियर लिखते हैं, डियर के बाद जिस व्यक्ति को हम लिख रहे हैं उसका नाम, जिसे लिखते हैं पत्र, जिसे रिप्लाई देते हैं उसका नाम, उसका नाम, अर्थात जिसे हम रिप्लाई सेंड कर रहे हैं उस व्यक्ति का हम क्या करेंगे, यहां पर नाम देंगे। जो व्यक्ति स्टार्टिंग टाइम से नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे, तो उस वीडियो को प्रारंभ करके जरूर देख लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसकी जो मेन बॉडी की शब्द सीमा है वह 50 से 60 रखते हैं बिना किसी ब्रेक पैराग्राफ की, यदि इससे आप रखते हैं ज्यादा तो गलत माना जाता है। इस लेफ्ट हैंड में अपना नाम लिखते हैं बल्कि साइन नहीं करते हैं। आज का जो वीडियो है यहीं पर मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि जो बैटरी मेरी मोबाइल की अच्छी है मात्र 2% शेष है। यदि अभी क्लोज नहीं करता हूं तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी साथियों, शुभ रात्रि। हम फिर कल और परसों की गैप के साथ 3रे दिन बाद में, 2 दिन बाद मिलेंगे। जय माता दी साथियों, तब तक के लिए आप सभी का प्रेम स्नेह प्यार देने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए उम्मीद करता हूं कि आगे भी बने रहेंगे। धन बहुत बहुत धन्यवाद।